ये देखो कितनी सुंदर बाइक, ये स्टील की बनी हुई है गौरव, है ना। और अंदर भी है देख गाड़ी। Hey guys, welcome back to my new blog. कैसे हो आप सब। और आज की ब्लॉग के मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ दोपहर से। सुबह ब्लॉग बनाना था बट मैं भूल गई कि ब्लॉग भी शूट करना है साथ में, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि खाना खा के पूरे वीक हम बोर हो जाते हैं, तो वीकेंड पे हम कुछ अच्छा ही बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ पास्ता बना दिया जाए लंच में, तो अभी बस जस्ट पास्ता की मेकिंग के लिए सामान वामान कट कर देती हूँ मैं, वेजीज और जो पास्ता बॉईल करने रखना है वो वाला। और गाइस, हम जो पास्ता खाते हैं वो हम मैदे वाला नहीं लेके आते, यहाँ पे आटे वाला पास्ता लेके आते हैं, तो वो हेल्थ के लिए इतना और इधर भाई ये मैंने रख दिया बॉईल करना, इसके अंदर वेजीज भी डाल दी और मटर मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर, वैसे पास्ता में कोई डालता नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। और गाइस इधर ये पास्ता बॉईल हो रहा है, तब तक मैंने ऑयल और इसके लिए वेजीज में सॉर्टेड कर लेती हूँ। ये किस किस को खानी पसंद है, इमली वाली टोफी भाई बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर हम जाए हमारे yeah. पास से ये चीज वाले देख लिया, मैं से बनाते रोबोट और जानू का, तो मर जाएंगे ना, बेस्ट पास्ता है, इंडियन स्टाइल पास्ता है। उमर जाएंगे देख के पास्ते के इन्होंने इंडियन ने क्या कर दिया। हमारी ग्रेवी सेम ही होती है, उसमें डलता है सब, पास्ता डाल दो, दाल डाल दो, टमाटर सब वही रहते हैं, हमारा एक ही रहता है बस, हम उसमें पास्ता डाल दो। हमारा पास्ता खा सकते बिल्कुल भी, इटली वाले हैं, यहाँ वाले भी नहीं खा सकते। घुमाना इसको, वेट, ये बस मैं ही खा सकता हूँ और कोई नहीं खा सकता है। भाई ये बना है देसी स्टाइल इंडियन पास्ता, और कमेंट सेक्शन में बताना गाइस आप लोग कैसे बनाते हो पास्ता को। अभी शाम हो चुकी है, गौरव का मुश्किल से बनाया है मैंने कि चलते हैं, कल भी नहीं हम गए बाहर घूमने, बारिश आ गई थी तो अभी लिटरली ये मान गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घूमने। पहले मैं हो जाती हूँ रेडी, तो रेडी होके फिर जाते हैं सीधा घूमने। और गाइस रेडी मैं हो चुकी हूँ, बस अब मेरे को सनस्क्रीन लगाना है, जो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ लैक्मे का यहाँ पे, और एक लिप शेड लगा के हो जाती हूँ बिल्कुल रेडी। और भाई फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, ये मैंने फूल डाला है इसके नीचे जीन, और अभी चलते हैं सीधा घूमने, सिटी सेंटर जाने। पहले हम जाएंगे सिटी सेंटर, गौरव को कुछ काम है वहाँ पे, वो काम करने के बाद हम सीधा जाएंगे घूमने। और फाइनली हम ट्राम में आ गए हैं अभी, और बहुत ही रश है आज क्योंकि वीकेंड पे काफ़ी रश होता है यहाँ पे, और ट्राम पूरी भरी हुई है, दिखाती हूँ मैं भी आपको, ये देख सकते हैं पूरी भरी हुई है ट्राम, ये गौरव। और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है भाई, आज फिर बारिश, ये रोज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बारिश आ जाती है और गौरव मुझे अम्ब्रेला नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत डरा था आपको लेके चलो। और गाइस ये डेली का काम हो रखा है यहाँ पे बारिश आना, और आज फिर इतनी तेज बारिश आ गया, और उधर हमने सामने जाना है क्रॉसिंग करके, तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, बिल्कुल भीग जाएंगे, और अम्ब्रेला हम दोनों के पास एक ही है, तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे, सभी खड़े हुए हैं और ये उधर गौरव भी खड़े हैं, और ऐसे धूप निकली हुई है बट फिर भी बारिश हो रही है। भाई दोनों एक ही अम्ब्रेला में चल पड़े हैं लेके, क्योंकि बारिश रुकने की नहीं, हमने चेक किया अभी 2 घंटे तक ऐसे ही है, तो काम हमारा थोड़ा अर्जेंट है जहाँ पे जाना है अभी, तो अभी दोनों जा रहे हैं सीधा वहीं, और मैं इधर से पूरी भीग चुकी हूँ एक साइड से। ये गाइस देख सकते हैं ये बोट बनाई है इन्होंने, इसके अंदर नहीं हम जा सकते बट फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है, अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा मॉल, क्योंकि अभी बारिश में बाहर घूमने का तो कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है बारिश बहुत तेज आ रही है, तो मॉल ही एक ऑप्शन है हमारे लिए घूमने का, तो अभी हम सीधा जाएंगे मॉल, देखते हैं वहां पे कुछ ले पाएंगे नहीं, तो फाइनली चलते हैं सीधा मॉल। इस टाइप की जीप्स गाइज आप लोग उसमें देखते थे, हम मैंने भी खुद ये मूवीज में देखी है, इंडिया में ऐसी नहीं मिलती है देखने के लिए, बट यहाँ पे ये ऐसी चीजें बहुत मिलती हैं यूरोप में। और बारिश में भी लोग इतना घूम रहे हैं ना,
और ये यहाँ पे ना मॉल के बाहर कुछ ओपन स्ट्रीट फूड लगता है और कुछ ज्वेलरी शॉप्स हैं, यहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हो। और ये यहाँ का प्राग का स्पेशल फूड रहता है, ये आइसक्रीम टाइप से कुछ होता है, मीठा बहुत होता है, मैं नहीं खा पाती इतना। और ये आ गया है भाई मॉल गौरव। और गाइस हम सीधा जा रहे हैं ऊपर फूड कोर्ट में, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है और लंच के बाद कुछ खाया भी नहीं है और टी भी नहीं पी थी इवनिंग, तो इसलिए सीधा अब जाएंगे फूड कोर्ट कुछ खाने। और इतनी भीड़ हमेशा यहाँ पे रहती है फूड कोर्ट में, किसी भी फूड कोर्ट में चले जाओ इतना ही रश आपको मिलेगा। एज यूजल हम यहाँ पे आते हैं तो मैकडी ही खाते हैं, हाँ वेज बर्गर वही हम लोग खाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि और सब और यहाँ पे आप देख लो आपको करने के लिए बैक मसाज। फाइनली मेरा आ गया, मैं इसको अभी फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद आप। और खाने के बाद भाई दोनों निकलने हैं नीचे देखने के लिए कुछ अगर मिलता है। और ये हम आए अभी C&A में, मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रेस देख लेती हूँ अगर पसंद आई, ये मुझे बाहर से अट्रैक्टिव लग रही थी एक। और देखते हैं अंदर, एक अच्छा लग रहा है ना, इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक ये वाला और एक ये वाला, सॉफ्ट है ना बहुत, कपड़ा बहुत स्पेशियस है अंदर से, स्पेशियस तो है हाँ बहुत स्पेशियस है भाई ये लिंक सही है। ये वाला कलर तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, मैंने मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है। फाइनली गौरव को आज एक और शूज़ पसंद आ गया और अब बहुत सुंदर लग रहा है ये मुझे, सही लग रहा है आया नहीं। और गाइस ये बहुत सारी मैंने यहाँ पे स्टैम्प्स देखी थी और ये थी यहाँ पे बेलनी जिसके ऊपर प्रिंट था और इससे आप अच्छे से चपाती भी बना सकते हो जिसको अच्छी लगती है प्रिंट प्रिंट वाली चपाती, और वैसे ही बेसिकली कुकीज के लिए होती है यहाँ पे। और ये घूमते घूमते हम ओल्ड टाउन स्क्वायर आए हैं, ये देखो कितनी सुंदर बाइक, ये स्टील की बनी हुई है गौरव है ना, और अंदर भी है देख गाड़ी। ये भी स्टील की है ना पूरा, इसको देखना अंदर से ऑयल लगा है ना, ये वो स्क्रैप की बना रखी इन्होंने, कुछ भी फंस गया अरे सबको जोड़ दिया इन्होंने ना, ये गाइस देख सकते हो कितना सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है, जो भी इनके पास वेस्टेज जो भी था लोहे का वो इन्होंने इसको बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। और उधर भी है एक ये अंदर देखो कितना बड़ा रोबोट खड़ा हुआ है, ये देखो रो अंदर कितना बड़ा रोबोट है ना। और भाई ये पहुंच चुके हैं ऑल टाउन स्क्वायर, और अब भी देख लो अभी एक घंटा दो घंटे पहले इतनी तेज बारिश थी और अब देख सकते हो आप कितनी धूप निकल चुकी है, आइस कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है अब। और अभी दोनों बैठ चुके हैं यहाँ पे चर्च, ये सामने चर्च है, चर्च के हम दोनों सामने बैठ चुके हैं, थोड़ा टाइम यहीं पे बैठते हैं उसके बाद जाते हैं आगे। क्राउड देख सकते हो आप कितना है यहाँ पे, और फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं लिफ्ट का और ऊपर जाएंगे चेंज करेंगे उसके बाद बनाएंगे डिनर। ये हमने बिरयानी बहुत अच्छी आ रही है, इसमें मैं तो खाऊंगी लेमन डाल के,
गौरव ने बनाया अपने लिए रायता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता रायता इसके साथ, तो मैं तो खाऊंगी बिरयानी के साथ। तो ऊपर नींबू डाल के मुझे थोड़ा सा डाल देना। ओके गाइस, आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय।